नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मेयर अवनीत कौर ने एक दिन पहले किया था बाजारों का निरीक्षण, उसी जगह पर दोबारा पहुंची मेयर। साथ ही नाले ब्लॉक होने पर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिए सफाई के निर्देश। विदेश में सेटल होने के लिए यमुना एनक्लेव की रहने वाली महिला ने किया ऑनलाइन सर्च, महिला के साथ हुई 32 लाख रुपए की ठगी। महिला ने एसपी से शिकायत कर दर्ज करवाई एफआईआर। पानीपत का युवक अपने दोस्तों के साथ कर रहा था सैर, बाइक सवार दो बदमाशों ने झपटी थी सोने की चैन। दो आरोपियों को सीएवन ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से 20,000 रुपए भी बरामद। पानीपत पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया पर्दाफाश, आरोपितों ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले युवक से लूटपाट कर चाकू से गोद कर की थी हत्या। हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया था शव। अब दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपितों से स्नैचिंग की भी 5 वारदातों का हुआ खुलासा। बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित को पुलिस ने किया काबू, पकड़े गए आरोपी से चोरी की गई 2 बाइक भी बरामद। काबरी रोड पर शराब ठेके का शटर उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे आरोपित को सही टू ने किया काबू, आरोपित के कब्जे से 2,000 रुपए भी बरामद। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में मुख्य आरोपित को 8 किलो 170 ग्राम गांजा पत्ती सहित किया काबू, पकड़े गए आरोपित को कोर्ट में पेश कर लिया गया 2 दिन की रिमांड पर। अवैध देसी पिस्तौल सहित युवक को सही 3 ने किया काबू, पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया गया 3 दिन की रिमांड पर। जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन के समर्थन में जारी अनिश्चितकालीन धरने पर संयुक्त किसान मोर्चा तालमेल कमेटी की हुई बैठक, 26 नवंबर को जुलूस के रूप में किसान दिल्ली होंगे रवाना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।